नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं अच्छी कुछ खास सुर्खियों की ओर। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय का यह महान पर्व दशहरा देश भर में रावण दहन के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। अधर्म के प्रति रावण को भगवान श्री राम ने मारा था। इसी दौरान जो कथाएं और परंपराएं हैं उसके अनुसार हर्षोल्लास के साथ जगह जगह श्री रामलीला के आयोजन बड़ी संख्या में देखने को मिलते आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया में इस दशहरे के मौके पर श्री रामलीला के साथ साथ श्री कृष्ण लीला के भी दर्शन हुए। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के मरने से पहले श्री कृष्ण लीला का आनंद लिया। यह पहली बार हुआ है कि अपने परिवार सहित मरने वाले रावण ने मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। बाकायदा मधुर संगीत की धुनों पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपी और गोपिकाओं के साथ नृत्य भी किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूरे कार्यक्रम का लुप्त जनता के बीच बैठकर उठाया। राम रावण को हराने में सक्षम नहीं थे, हमको राम जी को जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। आपको याद होगा वो स्वयंवर जिसमें एक धनुष रखा रहता था जिसका नाम पिनाक था, माता सीता ने उसको सफाई करते हुए एक हाथ से उठा के दूसरी जगह पर रख दिया था। हमको राम की जरूरत नहीं थी, इस देश को, इस विश्व को राम लीला की जरूरत थी। राम भक्त हनुमान जो सीधा सूरज को निकलने निकल गए, जिन्होंने संजीवनी आने को कहा था, पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, ऐसे राम भक्त को राम की जरूरत थी। लेकिन किसी ने पूछा माता अंजलि ने, तूने उस रावण को अपनी पूछ पर लपेट के मारा क्यों नहीं? तो हनुमान जी ने एक भक्त की तरह कहा कि भैया मेरे को आदेश नहीं था, जो लीला राम ने किया है, जिस कारण राम ने अपना अवतार लिया है, ये राम भगवान को ही करने दो।